uses of preparatory to find out the similimum. After taking a case, the physician, especially a beginner, is perplexed by maze of symptom. मतलब क्या होता है कि केस टेकिंग के बाद क्या होता है, फिजिशियन स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको परप्लेक्स बाय मैच ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स मिल जाते हैं. ही हैज़ टू कैटेगराइज, रीअरेंज, इवेलुएट देम इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द टोटलिटी. उनको रीअरेंज करता है, कैटेगराइज करता है ताकि टोटलिटी बना सके. सिम्टम जो है उसको प्लेस अंडर टोटलिटी विल हैव टू कन्वर्ट इन टू रूब्रिक. सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. रूब्रिक्स जो है शुड बी लोकेटेड इन द रिपर्टरी, उनको रिपर्टरी में लोकेट करेंगे. आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग द रिपर्टरी गिव एन आइडिया अबाउट द क्लोज रनिंग मेडिसिन. तो उससे क्लोज रनिंग मेडिसिन मिल जाती है. इंडिकेटेड मेडिसिन जो होगी वही आपकी सिमिलिमम होगी, ताकि आप सिमिलिमम तक पहुँच सकेंगे. तो फाइंड आउट द सिमिलिमम. दूसरा क्या यूज़ है, रेफरेंस वर्क. समटाइम द सिम्टम्स स्ट्राइकिंग अ फिजिशियन बट इज नॉट एबल टू रिकॉल द मेडिसिन. मतलब कभी कभी रिकॉल नहीं कर सकते अपन. स्ट्राइकिंग स्ट्राइक तो करता है लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अपन रिपर्टरी यूज़ कर सकते हैं. सम फिजिशियन हैव हैबिट ऑफ मेकिंग कीनोट प्रिस्क्रिप्शन. कुछ लोगों को कीनोट प्रिस्क्रिप्शन देने की आदत होती है. दे नो वन और टू इंपॉर्टेंट मेडिसिंस. रिपर्टरी एक्सपेंड आवर नॉलेज. रिपर्टरी से क्या होता है, अपन को अपना नॉलेज एक्सपेंड कर सकते हैं. रेमेडीज कीनोट के अलावा भी हम और रेमेडीज सोच सकते हैं. जैसे फील बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड, से आई एम वेल, नॉट नीड ऑफ डॉक्टर. तो इसमें अपन यूजुअली अपन कैल्केरिया का सोचते हैं, लेकिन और जो से वे आई एम वेल नो नीड टू डॉक्टर मारने का सोचते हैं. लेकिन जब रिपर्टरी रेफर करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हमें पता चलती है. कभी कभी क्या होता है, एक्यूट केस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्राइकिंग सिम्टम मिलते हैं जिसको अपन अप्रोप्रिएट रिपर्टरी यूज़ करके इमिडिएटली यूज़ कर सकते हैं रिपर्टरी को, ताकि अपन सिमिलिमम क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. तीसरा क्या है, इन द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ मटेरियल मेडिका. तो रिपर्टरी इज प्रिपेयर फ्रॉम द मटेरियल मेडिका, क्योंकि ये बनी किससे, मटेरियल से. तो द डायरीज एंड स्टैलवर्ड्स एंड इट ब्रिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू वन प्लेस. सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे मिल जाएगी. द ड्रग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रिपर्टरी. फॉर एग्जाम्पल, टेक एनी ड्रग लाइक सीपीआर, लाइकोपोडियम एंड रिफर टू एनी सेक्शन इन रिपर्टरी which one wants to study and then note down the presence of remedy against the given rubric. मतलब जिन rubrics में for example lycopodium दिए या CPR दिए, तो उनको नोट डाउन करेंगे, तो उससे क्या है, हमारा नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगा मटेरियल का. इट ऑल्सो हेल्प इन कंपेरेटिव स्टडी. तो इससे हम कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि एक ही रूब्रिक में कौन कौन सी मेडिसिन आ रही है. फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीन्स अ रूब्रिक इनलिस्ट द मेडिसिन इन डिफरेंट ग्रेड, ग्रेडेशन पता कर सकते हैं ताकि वो सिम्टम कितनी इंटेंसिटी के साथ है, एक सिम्टम की इंटेंसिटी भी पता कर सकते हैं ग्रेडेशन की हेल्प से. फिर हेल्प इन फाइंडिंग आउट द कम्प्लीट सिम्टम. तो रिपर्टरी से हम कम्प्लीट सिम्टम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके सारे कंपोनेंट को एक प्लेस में रेफर कर सकते हैं, स्पेशली कनकोमिटेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जो कि मटेरिया मेडिका में सेवरल प्लेस पे दिए, उनको एक ही जगह हम फाइंड आउट करके कंप्लीट सिम्टम बना लेंगे. नॉलेज ऑफ रूब्रिक एंड सब रूब्रिक हेल्प इन फार्मुलेटिंग क्वेश्चन. रूब्रिक का नॉलेज होगा, सब रूब्रिक का नॉलेज होगा, तो क्वेश्चन फार्मुलेशन होगा. फिर हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश इस नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका. मटेरिया मेडिका का नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो क्या. और इसके अलावा क्योंकि डिफरेंट सिम्टम्स में डिफरेंट ग्रेडेशन है रिपर्टरी में, फिर इट सजेस्ट रिलेटेड रेमेडीज विच कुड बी हेल्पफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ अ ड्रग फॉर अ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन. मतलब यहाँ पे अपन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, कुछ रेमेडीज सजेस्ट होगी जिससे अपन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी सोच सकते हैं. तो बोनिंग उसे ने रिटन सेपरेट वैल्यूएबल सेक्शन और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाला सेक्शन बहुत यूजफुल है फॉलोअप के लिए. फिर क्विस्ट ऑफ कंपाइलिंग एन अपडेट रिपर्टरी हैज़ नॉट ओनली गिवन बर्थ टू मैनी रिपर्टरीज बट एल्सो टू ऑथेंटिक रिपर्टरी. मॉडर्न रिपर्टरीज कैन ऑल्सो भी कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ईच मेडिसिन मैंशन अगेंस्ट द रूब्रिक ऑल्सो कैरीज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. मतलब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है रूब्रिक के साथ हमें. फिर हम क्या कर सकते हैं, दो द रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस वन कैन नो द सिमिलर. हम सिमिलर रूब्रिक को समझ सकते हैं. ठीक है, दस रिपर्टरीज हेल्प अस टू सेलेक्ट द रूब्रिक अमोंग सिमिलर रूब्रिक. फिर इसके अलावा होम्योपैथी इन रिलेशन टू मॉडर्न पैथोलॉजी को भी हम स्टडी कर सकते हैं.
मॉडर्न पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग होम्योपैथी की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिंथेसिस ऑफ न्यू रूब्रिक, और एक आता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन द रिपर्टरी इट बिकम्स एन इनवेल्यूएबल कंपेनियन, मतलब स्पीडी रिट्रेवल ऑफ नॉन फैक्ट, बहुत जल्दी से अपन स्पीडली काम कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिशियन और एकेडमिशियन जो है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंप्यूटर की वजह से। अच्छा, लिमिटेशन की बात करें तो रिपर्टरी बेसिकली क्या है, एक इंडेक्स है। नेचुरली इट कैन सर्व ओनली अ लिमिटेड पर्पस, ओनली लिमिटेड पर्पस के लिए यूजफुल है। सो टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टूल, ये केवल एक टूल है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, इससे हमें डिसअपॉइंटेड मिलेगा। इट कैन नेवर रिप्लेस अ फिजिशियन मेंटल एप्लीकेशन। सो रिपर्टरी कभी भी फिजिशियन के नॉलेज और मेंटल एप्लीकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। और यूजुअली वन ब्लेम्स एंड एक्यूज द रिपर्टरी व्हेन फेल्स इन सिलेक्टिंग राइट रेमेडी। रिपर्टराइजेशन के बाद भी फेल हो सकते हैं राइट रेमेडी सिलेक्शन में, तो ये याद रखना है हमें कि ये केवल टूल है, जिस मच सक्सेस डिपेंड ऑन स्किल ऑफ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर की स्किल पे डिपेंड करेगी सक्सेस। इफ़ ही डज नॉट यूज़ इट प्रॉपरली इट कैन प्रोड्यूस अ ब्लंडर, अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं किया तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इसको लिमिटेशन की बात करते हैं, तो पहला क्या है, इट मीन्स टू एन एंड नेवर एन एंड इन इट सेल्फ। रिपर्टरी ग्रो फाइनली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड बट सेल्डम सजेस्ट फाइनल चॉइस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू गो बैक टू द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील द मटीरिया मेडिका। तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यानी मटीरिया मेडिका पे डिपेंड करेगा फाइनल सिलेक्शन। डिफरेंट रिपर्टरीज बाय डिफरेंट ऑथर आर बेस्ड ऑन देयर ओन फिलोसफी, हर एक की अपनी फिलोसफी होती है, अपना प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो स्कोप और लिमिटेशन को अगर समझना है तो उसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन और फिलोसफी पता होना चाहिए। अस बोगर पॉइंटेड एवरी रिपर्टरी इज़ यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज़ कम्प्लीट। हर रिपर्टरी यूजफुल है लेकिन कोई भी कम्प्लीट नहीं है। मटीरिया मेडिका इज़ एवर इनलार्जिंग, एवरी डे देयर आर न्यू क्लिनिकल एक्सपीरियंस, न्यू एडिशन शो टू मटीरिया मेडिका कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन रिपर्टरीज वन डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेस पे उसमें एड नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा दे कैन नॉट ऑलवेज कीप पेस विद द लेटेस्ट इन मटीरिया मेडिका, मतलब मटीरिया मेडिका के साथ ये नहीं चल पा रही है क्योंकि एड करना मुश्किल हो जाता है। देयर आर मेनी रूब्रिक्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, कुछ रूब्रिक्स रिप्रेजेंटेड नहीं है, वेल रिप्रेजेंटेड नहीं है, therefore they cannot guide a physician properly in the selection of simile. They relate symptoms and rubrics which is an interpretation of physician. If the physician make a mistake at the beginning, अगर beginning में ही mistake कर दी, person को ignore किया symptoms को count करके, तो then using a repertory will be futile. मतलब beginning में mistake कर दी तो repertory का use futile नहीं हो पाएगा और मतलब व्यर्थ हो जाएगा। They relate सिम्टम्स एंड रूब्रिक्स विच इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन ने अगर गलत इंटरप्रिट किया रूब्रिक को, पेशेंट के सिम्टम को इंटरप्रिट गलत किया, रूब्रिक गलत सिलेक्ट किया, तो दिक्कत हो जाएगी। रिपर्टरी कैन नॉट गाइड, कैन नॉट गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द पोटेंसी, पोटेंसी और रिपिटेशन कितना करना है ये रिपर्टरी हमें नहीं बताती है। नोसोट जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं है रिपर्टरीज में, मॉडर्न रिपर्टरीज में भी नोसोट अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं है। हैंडलिंग एंड यूज ऑफ रिपर्टरी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका ऑर्गनन एंड क्लिनिकल, क्योंकि तीनों एक स्टूल के तीन लेग होते हैं, मटीरिया मेडिका ऑर्गनन रिपर्टरी, तो तीनों का नॉलेज होना चाहिए और ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज होना चाहिए।